कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कुछ जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, वो हमारे अपनों से बढ़ के होते हैं। तो जैसा कि बाय टाइटल आपको पता चल ही जाएगा कि जो मेरे पापा 40 साल से लगभग 40 साल से छत्तीसगढ़ कोरबा में हैं, और वहाँ पे कुछ रिश्ते उन्होंने इतने अनमोल बनाए हैं। कोई भी अगर किसी जगह पे रहता है जहाँ पे उसका घर हो जाता है, तो वहाँ के मेरे पापा मतलब वोट भी देते हैं, मतलब सब कुछ, मतलब छत्तीसगढ़ में। तो वहाँ पे हमारे चाचा थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये आज की बात नहीं है जब मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, जब हमने रुद्राभिषेक करवाया था उसके जस्ट बाद की बात है। आपने देखा होगा मेरे रुद्राभिषेक की वीडियो भी सावन के बाद आई सारी, तो जो मैंने वीडियो कोई शूट ही नहीं किया, जो वीडियो मेरे पास थी वही मैंने उस टाइम पे शेयर किया हुआ था। उनको डेंगू बुखार हो गया था, तो जिससे उनको कोरबा से बिलासपुर रेफ़र कर दिया गया था, और फिर मतलब 8 दिन से वो हॉस्पिटल में थे। मेरे पापा जाने भी वाले थे उनसे मिलने के लिए बिलासपुर, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये रिश्ते हमारे खून के नहीं हैं, लेकिन खून से बढ़ के ज़्यादा मतलब मायने रखते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। कुछ रिश्ते हमारे ऐसे होते हैं जो हम लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते, अपने तो एक बार ना भी पूछे, लेकिन कुछ दूसरों से हम ऐसे रिश्ते बना लेते हैं। तो मेरे पापा जो हैं वो चले गए हैं छत्तीसगढ़, बस रुद्राभिषेक वाले दिन के, जब मतलब जिस दिन ये हुआ उसके अगले दिन ही, क्योंकि ट्रेन की टिकट तत्काल में निकाली गई, तो वो टिकट भी कैंसिल कराना पड़ा। सारनाथ में हुआ, फिर हमने बस से उनको भेजा, मतलब क्योंकि वो जल्दी पहुंच जाते, तो फिर अगले दिन वो बस से गए। अभी उनको ट्रेवल करने के लिए डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन ऐसी सिचुएशन थी कि जाना पड़ा। और जो अंकल जी थे, देखिए कितना शब्दों का फेर है, अभी थे हो गए, तो उनसे हमारी भी बात होती थी, मतलब हर रोज़ नहीं कहूँगी, हर महीने नहीं कहूँगी, लेकिन जब भी हम वीडियो कॉल करते हैं, पापा उनके पास रहते थे, क्योंकि उन्हीं के घर में पापा मेरे रहते थे, मतलब सब लोग एक साथ में रहते थे, तो एक ताकत जैसे थे वो पापा के। हर चीज़ें मतलब कितने ही सुख दुख हैं जो उन्होंने शेयर किए होंगे। हम बचपन में उनकी शॉप हुआ करती थी किराना की, तो हम बचपन में जब छत्तीसगढ़ जाते थे तो उनके शॉप पे जाते थे, बचपन में देखा था। ऐसे तो अभी कुछ यही 3-4 या 5 महीने पहले वीडियो कॉल पे उनसे बात हुई थी मेरी, पापा से बात कर रही थी तो अचानक वो पहुँचे, पापा कुछ ऐसे ही। तो बहुत मतलब बुरा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन यही है कि हम कुछ कह भी नहीं सकते, बस यही कह सकते हैं पापा तुरंत दौड़ के गए। और जब वो बीमार थे तभी मैंने बोला हुआ था कि जो भी आपसे हेल्प हो पाएगी, लाइक उस टाइम पे हमें इमोशनली फाइनेंशली भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप बस पूछ भी दो ना कि कोई ज़रूरत होगी तो बताना, तो ये भी हमारे लिए एक बल का काम करता है, मतलब मैं जहाँ तक सोचती हूँ। तो जितना हो सकता था हमने उनकी हेल्प करी थी, और ऐसे सिचुएशन में भी, तो काफ़ी दिन बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, उस टाइम पे नहीं मन था कि ऐसे मतलब मैं बताऊँ आप सबको। उस दिन की अगर मैं वीडियो आपको दिखाऊँ तो पूरा मतलब पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, पूरा हम लोग हंस खेल रहे थे, पापा रुद्राभिषेक में शामिल होने के लिए आए हुए थे, और खीर बन रही थी, पूड़ी बन रही थी उसके अगले दिन, मतलब इस तरीके का माहौल था, और अचानक से पूरा माहौल ही बदल गया था। उस दिन की वीडियो भी है मेरे पास, मतलब क्या शेयर करूँ आप सबसे, नहीं समझ में आता है। तो वो हमारे सगे नहीं थे, लेकिन सगे से बढ़ के थे मेरे पापा के लिए। मतलब हम तो बहुत बचपन में मिले थे, हम उनसे इतना कांटेक्ट में नहीं थे, बट पापा कांटेक्ट में थे उनकी फैमिली के साथ। बस मैं माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। बट ये चीज़ आप सब सोचेंगे कि मैं क्यों बता रही हूँ, तो उसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ कि कुछ रिश्ते हमारे में, रिश्तों के बारे में बात कर रही थी। कहने को तो हमारे बहुत सारे अपने होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, हमारे फैमिली में होते हैं, हमारे जानने वालों में होते हैं, बट कुछ रिश्ते हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे अपने ना हो के भी अपनों से ज़्यादा बढ़ के होते हैं, जिनके लिए हमें तकलीफ़ होती है, जिनके लिए हमें बुरा लगता है, जो हमारे सुख दुख में साथ होते हैं। मतलब जब हमारे पास दुख पड़ता है तो हमें पता चलता है कि हमारा कौन अपना है, कौन पराया है। पापा को डॉक्टर ने मना किया था ट्रेवल करने से, बट फिर भी पापा छत्तीसगढ़ में हैं, नहीं हैं यहाँ, वो चले गए हैं।
मैंने उस टाइम की, आई थिंक शायद मेरे पास वीडियो होगी तो मैं इसी वीडियो में आगे लगा दूंगी, आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। बट ये छोटी सी वीडियो थी मेरी, मैंने सोचा मेरा मन जैसे नहीं होता कि भारी हुआ पड़ा था, मैं मतलब परेशान सी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये सारी चीज़ें मुझे आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। आप लोग के कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत लो फील करती हूँ और आप लोग के एक मतलब अच्छे कमेंट में कहूँ, एक मोटिवेशनल कमेंट कहूँ, मैं पढ़ती हूँ और मैं फट से ऊर्जा आ जाता है। सच में ये बात सच है, मैं ये मजाक में नहीं बोल रही हूँ। आप लोग के एक जो अच्छे कमेंट होते हैं वो एकदम अचानक से मैं पढ़ती हूँ और अचानक से मेरे अंदर होता है अरे इतना अच्छा लिखा इन्होंने। तो आपके जो कमेंट होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। रिश्ता कुछ नहीं है, रिश्ता है एक दिल से दिल तक का, जो आप लोगों के साथ एक परिवार की तरह जुड़ा हुआ है। जितना मैंने, मुझे लगता है, अपने फैमिली के साथ चीज़ें डिस्कस नहीं की है, उतना मैंने आप लोगों के साथ अपनी चीज़ों को डिस्कस करा है। ये चीज़ें जो मैं घबराहट और परेशानी में थी वो शायद मैं किसी से शेयर नहीं की, लेकिन मैंने यूट्यूब पे आप सबके साथ शेयर किया। तो एक ये जो हमारा और आपका रिश्ता है, भले ही 5,000 लोग देखे, 50,000 लोग देखे या मिलियन लोग देखे, तो ये रिश्ता ही बहुत अनमोल है। इसको हमने बनाया ही बहुत मेहनत से है, एक एक अभी भी देखिए कितनी मशक्कत, कितने लोगों के चैनल इतने जल्दी ग्रो हो जाते हैं। अभी मेरा ही देखिए, 1.5 सालों से, मतलब 1.5 साल पहले, 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया पहले, मेरे 2 लाख हुए थे और अब तक अभी 3 लाख नहीं हुए हैं। तो कितना मतलब एक दिन दिन के सब्सक्राइबर के लिए तरसना जो कहते हैं वो है। तो ये मेहनत ही है, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ, मैं यूट्यूब पे काम नहीं कर रही हूँ फिर भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, नहीं, इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो एक एक जो सब्सक्राइबर कहूँ या फैमिली मेम्बर कहूँ या हमारी जो आपका बॉन्ड है, वो मैंने बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से सजाया है, बनाया है। तो अभी घर के बहुत सारे काम बाकी हैं, हमारे घर में फर्नीचर के कुछ काम हुए हैं तो उसकी लकड़ियाँ सारी बिखरी हुई है। तो मैं जा रही थी यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो पहले थोड़ी सी आप सबसे बातें कर लेते हैं, फिर आगे की वीडियो जो है वो मैं शेयर कर दूँगी। और बाकी मेरे पास अभी 2 ब्लॉग ऐसे हैं जो अभी अंकल थे तब के हैं, जो कि मैंने अभी एडिट ही नहीं किया है, तो वो भी मैं एडिट करके जल्दी ही अपलोड करूँ। शायद वही ब्लॉग जाएँ, ये बाद में जाए काफ़ी, तो देखते हैं कौन सा ब्लॉग जाता है। बस ये बातें मन में मेरी थी कि कुछ रिश्ते हम बहुत प्यार से बनाते हैं, ऐसा ही रिश्ता है आपका और हमारा। मेरे दुख में आप लोग दुखी, मेरे तकलीफ़ में आप लोगों को तकलीफ़ होती है, मेरी खुशियों में आप लोग खुश होते हैं, इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता मैंने कुछ अपने लाइफ में कमाया हुआ है। तो ज़िंदगी में तो सुख दुख चलता रहता है, और यहाँ पे मेरे हाथों में इतना ज़्यादा कलर लग गया है, कुमकुम खोला और पूरा कुमकुम कपड़े पे, फ़ोन पे इस तरीके से बिखर गया। अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में और किचन का हाल देख ही लीजिए कितना ज़्यादा बिखरा हुआ पड़ा है। कल कुछ लोग आए थे तो समोसे आए थे और वो समोसे खाए भी नहीं, तो पूरा समोसा मतलब पैसे की भी जियानी नुकसानी हुई और प्लस जो हमारा लॉस हुआ वो तो अलग से ही हुआ। तो यहाँ पे मैं सारा किचन क्लीन करने के लिए मैंने सोचा कि सारी चीज़ें एडजस्ट कर देती हूँ सही जगह से, ताकि किचन जो है वो अच्छा लगे। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताइएगा, और आगे मैंने बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भी आप सबके साथ शेयर की हुई है। सारी चीज़ें क्लीन करने के बाद यहाँ पे अब गैस के पास रोज़, मतलब देखिए मसाले के जो डब्बे होते हैं वो रोज़ यूज़ होने वाले, रोज़ उन पे हाथ जाने ही जाने हैं, तो हर चौथे पांचवे दिन मुझे क्लीन भी करना पड़ता है। और ये जितने भी चिमटा चाकू ये सारी चीज़ें होते हैं, मैं रोज़ ही क्लीन करती हूँ, मेरी एक ये आदत सी है, मैं इस आदत से परेशान भी रहती हूँ रोज़ का, मतलब कि हर सुबह शाम 3-4 टाइम, मुझे पता नहीं क्यों पहले ऐसा नहीं था बट अब ऐसा हो चुका है। और पूरा गैस की पहले सूखी से क्लीनिंग कर लूँगी और फिर उसको मैं भिगो के कपड़े को कर लूँगी। यहाँ पे मैं देखिए लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू से लगा ही रही थी कि ये पता नहीं कैसे ट्रैप, ये मेरा रिंग लाइट निकल गया है। और आप लोग पूछते हैं ना, तो मेरे पास बस एक यही छोटा वाला ही रिंग लाइट है, आज तक मेरे पास बड़ा वाला रिंग लाइट नहीं है। अभी मैं बनाऊँगी काले चने के रस्सेदार सब्जी कहूँ, क्योंकि मैं छोले कहूँगी, फिर आप लोग में से बहुत सारे लोग सिर्फ मटर वाले छोले, मतलब जिसको हम छोले बोलते हैं उसी को मानते हैं, बट हमारे साइड में जो छोले की स्टाइल में बनते हैं उनको हम छोले ही बोलते हैं, चाहे चने के छोले, मटर के छोले, काबली चने के छोले। तो तरह तरह से लहसुन प्याज सारी चीज़ें पीस के मैंने यहाँ पर डाल दी हुई हैं। वीडियो अभी मैं एडिट कर रही हूँ तो ये मेरे से एडिट ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कल से ही मेरे पीठ में इतना ज़्यादा चमक पड़ना, उसको क्या नस खींचना मैं कहूँ तो हो गया है, जिसकी वजह से मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा है, इतना तकलीफ़ हो रहा है कि मेरे को सांस लेने में भी दिक्कत जैसा फील हो रहा है।
यहाँ पर मैंने मसाले रखे थे घोल के, वो डाल दिया। घोल के मसाले डालिए तो अच्छे से फूल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं भून रही हूँ, और वो पीठ का ना चम्मक जो है वो मतलब ठीक ही नहीं हो पा रहा है। अब हर चीज़ के लिए दवाई खाना, ऐसे ही मैं बहुत सारी दवाइयाँ हर रोज़ खाती हूँ, तो मेरी बॉडी में सिर्फ दवाइयाँ ही भरी पड़ी। मैं एक दिन इनको बोल भी रही थी कि अगर मुझे खून निकल रहा है तो ऐसा ना मेरे खून में खून की जगह पे दवाइयाँ निकल रहा है। मैंने इतनी लाइफ में दवाइयाँ खाई हुई हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए पूरा मसाला भुन जाने पे खुद ही आपको समझ में आने लगेगा। फिर मैंने थोड़े आलू मसल के डाले और जो मैंने जाने भिगो के उबाल के रखे थे वो डाले, सबको ऐड कर दिया है। और 10 मिनट तक हम लोग मध्यम आंच पर इनको पकने देंगे, और फिर उसके बाद हरा पत्ता और धनिया का काट के इसके ऊपर छिड़क देंगे। बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो इस तरीके से आप सब ज़रूर बनाइएगा। और फ़ोन का एंगल आज बहुत टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा हुआ है। समझ नहीं आ रहा था ट्राइपॉड के एंगल को मैं कैसे सेट की हूँ, या एडिटिंग मैंने कैसे की है, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। और मैं आज ना एक प्याज के पराठे की रेसिपी भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। प्याज का मैंने लच्छे में काट लिया है, यहाँ के इस मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मैंने अपने लिए कर ली है गर्म पानी, और मेरा किचन पूरा क्लीन है, पूरा क्लीन है। जब मैं रात को क्लीनिंग करके सोती हूँ, इसमें मैंने डाला है चाट मसाला और जीरा पाउडर और हरी मिर्ची, माफ़ करिएगा लाल मिर्ची पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम एक मोटी सी रोटी बेल लेंगे। मैं आटे का ही बना रही हूँ, मैदे का भी बना सकते हैं। इस पे इस तरीके से आटा लेंगे, और आटा लेने के बाद सूखा आटा हम इस तरीके से यहाँ पे प्रेस कर देंगे। और फिर उसके बाद हम रखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा लच्छा वाला प्याज, और इसको हम पराठों के शेप में जो है वो फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं हर तरीके से आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है, और उसके बाद बेल देंगे। और ये जो प्याज के पराठे बने थे वो रम्या को इतने ज़्यादा पसंद आए, इतने पसंद आए कि ज़िद कर रही है कि मम्मा मुझे हर रोज़ ही चाहिए। और इसके बाद गैस ना इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ साथ साथ कि मैं पराठे सेक रही हूँ, और अगर मेरा पराठा जैसे हो जाता है तो मैं इसकी क्लीनिंग भी कर देती हूँ। देखिए दोनों तरफ से सिक गए हैं, और कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में। अभी तो सावन ख़त्म भी हो गया है, तो हमने प्याज लहसुन खाना स्टार्ट भी कर दिया हुआ है। तो ये ले जाके मैं रम्या के लंच बॉक्स में भी दे दूँगी, और दो पराठे मैं रखूँगी, साथ में एक मिठाई रखूँगी, और थोड़ी सी मैं यहाँ पे सॉस या चटनी जो भी मेरे पास उपलब्ध होगी वह रख दूँगी। और देखिए अरे मैं कितने पसंद से खा रही थी, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने पूरा एक पराठा ऐसे ही, क्योंकि उसमें नमक और सारे मसाले भी थे, तो उसने चटनी वगैरह कुछ नहीं लिया। और देखिए अब रात का खाने की बारी आती है, तो मैंने यहाँ पे आलू और शिमला मिर्च छौंकी है अपने हस्बैंड के लिए, यानी रम्या के पापा के लिए। और मैंने अपने लिए क्या बनाया है वो दिखाती हूँ। मैंने जो बनाया ना वो रम्या के पापा खाते नहीं है, तो मुझे दो सब्जियाँ रात में बनानी पड़े। और रम्या की एक फ्रेंड आई थी, तो उनके लिए रम्या ने फटाक से ये नमकीन और ये मूरी ले आई, और उसी ने बनाया भी हुआ है इसको अच्छे तरीके से। तो वो ला के ही खुद ही बना के अपने फ्रेंड को खिलाई भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी समझदार हो गई है। यहाँ पे देखिए दूध आ गया है, और कई लोगों ने मेरे से पूछा आप इतना चाय पीते हैं तो आप लोग यहाँ पे दूध, तो हमारे यहाँ 3-3.5 लीटर ऐसे करके मतलब अब से नहीं सदियों से आ रहा है, मतलब सदियाँ मीन्स जब से मैं यहाँ पे हूँ तब से मैंने यही देखा हुआ है। तभी मैं बनाऊंगी कुद्रुन की भुजिया। कुद्रुन रम्या के पापा बिल्कुल भी नहीं खाते, मतलब 13 सालों से मैं देख रही हूँ, 13 सालों से मैंने कभी उनको कुद्रुन और भिंडी, दो सब्जियाँ ऐसी हैं जो उनको मैंने खाते हुए कभी नहीं अपने लाइफ में देखा है, मतलब वो खाते ही नहीं है। और यहाँ पे हमारी चाय बन रही है, चाय कितनी अच्छी है वो तो आप खुद ही देख लीजिए। चाय पानी पकड़ी, बहुत ज़्यादा जान चल रही गर्मी से, प्लेट और पकड़ी, लाइन नहीं कहा जो